रिप्रोडक्शन। सवाल वही है कि लिविंग कौन होते हैं, पहला ग्रोथ था, दूसरा रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, फिर वर्ड आया करेक्टरिस्टिक और फिर आया फीचर। फीचर का मतलब जो दिख जाता है, करेक्टरिस्टिक का मतलब इसमें लिविंग में तो है ही है लेकिन नॉन लिविंग में यहाँ पर ये कभी भी नहीं होगा, ये ग्रोथ से जस्ट अपोजिट चला गया। तो करेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि जिसमें है वो लिविंग है, लेकिन ऐसे भी लिविंग है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं भी हो सकता, आगे एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन ये कभी भी डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ऐसे भी लिविंग संभव है जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे स्टेराइल वर्कर हनी बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, म्यूल, हिनी, ये सब लिविंग है लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ऐसे भी लिविंग हैं जो बिना रिप्रोडक्शन के हैं और लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकता है। अच्छा, खास बात, नॉन लिविंग में कभी रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो अगला है रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। फिर कुछ बातें कि भैया रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। ये सारी बातें पहले की जा चुकी हैं तो कोई डिटेलिंग नहीं है सेक्सुअल और एसेक्सुअल। कुछ एसेक्सुअल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि फंजाई जो है वो एसेक्सुअल स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है, ईस्ट हाइड्रा बडिंग से करते हैं, प्लेनेरिया फ्लैट वर्म जो है उसमें ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है, मतलब ईच एंड एवरी फ्रेगमेंटेड पार्ट इज एबल टू रीजनरेट द होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है नीट के लिए कि फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, इन तीनों में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन ही पाया जाता है। अगला, एक पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे अमीबा हो, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है दोनों सिनोनिमस होंगे, पर्यायवाची होंगे। और खास बात यह होगी कि ग्रोथ यूज करिए या रिप्रोडक्शन यूज करिए, दोनों बात एक ही है, क्योंकि एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म एक से दो जब होता है तो ये नंबर भी बढ़ा रहा है और ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिमस है। अगला आएगा कि हमने कहा कुछ स्टेटमेंट है जैसे ग्रोथ में थे, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन कभी नहीं होता है, पहला। दूसरा, जिसमें रिप्रोडक्शन होगा वो गारंटी लिविंग ही होगा क्योंकि नॉन लिविंग में तो कभी होता ही नहीं। तीसरा, कि जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा वो लिविंग भी हो सकता है जैसा कि आपने यहां देखा है, और नॉन लिविंग तो हो ही सकता है क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं भी हो सकता है, बता दिया है, स्टेटमेंट है। रिप्रोडक्शन ना होने पर भी लिविंग हो सकता है, सेम वही स्टेटमेंट है। तो कुछ स्टेटमेंट है इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, जल्दी से रिकवर करेंगे। ओके।